एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 9 एनसीईआरटी। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज्ड ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर सी फिगर। फाइंड नंबर वन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, नंबर टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, नंबर थ्री रेशियो ऑफ द एरियाज ओपन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी आपको सबसे पहले फर्स्ट में पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर का आपको सरफेस एरिया निकालना है। सेकंड वाले पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो आपका फिगर दिया है इसमें सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। और थर्ड में रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेंड इन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकंड का जो एरिया निकल के आएगा उसमें रेशियो फाइंड करके लाना है। तो जैसे फिगर में जो आपको दिया है, ये फिगर है और इसमें आपका इसके अंदर एक स्फीयर है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि है रेडियस ऑफ स्फीयर आर, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको आर दी है और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्फीयर का रेडियस आर है, सबसे पहले फर्स्ट में निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स रेडियस, पाई मीन्स 22/7 और 4 आपका मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये फाइंड हो गया गया। सेकंड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच में आपको एच कितना दिया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका आर है, फिर यहाँ से यहाँ तक आर है, तो आपका टोटल ऊंचाई एच यानी हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल टू आर प्लस आर। एच इज इक्वल टू आर प्लस आर का मतलब हो गया 2R। तो यहाँ एच लिखा है वहाँ पर लिखेंगे 2R, तो 2 पाई, ये 2 पाई लिखा है, आर लिखा है और एच के स्थान पर 2R, तो 2 2 या 4 पाई और आर का आर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर। तो कुल मिला के कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हमको थर्ड पार्ट में फाइंड करके लाना है रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेंड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में जो एरियाज निकल के आया इसका रेशो फाइंड करना है, तो रेशो ऑफ एरियाज यानी सबसे पहले क्या दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन। सेकंड वाले का एरिया क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये भी 4 पाई आर स्क्वायर ही निकल के आया है, तो इसके स्थान पर भी लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया 1/1, तो हमारा जो रेशो है वो रेशो 1:1 फाइंड होके आ गया। दैट इज योर आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, यानी 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना होगा। मैच बॉक्स क्या, एक मैच बॉक्सेस का मेज़र आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, तो 12
मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना है? तो वी नो दैट एल इज इक्वल टू जो फर्स्ट नंबर है 4 सेंटीमीटर, ये आपका लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर ये ब्रेथ है, और 1.5 सेंटीमीटर ये हाइट है। तो एल इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 2.5, एच इक्वल टू 1.5। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ, एच मीन्स हाइट। तो हमारे पास एल की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू ब्रेथ 2.5 और हाइट 1.5 मीटर। तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 का 4 में मल्टीपल करते हैं तो ये आपका 100 हो गया, 25 का 4 में मल्टीप्लाई 100, फिर 100 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। अब यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 है, 2 डिजिट, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट बाद। तो डेसिमल के बाद 0 का कोई मीन्स नहीं होता, ये आपका कैंसिल, तो आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम आपका 15 सेंटीमीटर आ गया। तो इसमें पूछा है 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, 12 मैच बॉक्स। तो 15 मल्टीप्लाई 12, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपका 180 क्यूब सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर, यानी वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स 180 क्यूब सेंटीमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ क्यूबोडियल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर विड एंड 4.5 मीटर डीप, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानि इस टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो देखिए ये जो टैंक है, वाटर टैंक है, क्यूबोडियल टाइप का है, इसकी मेजर दी आपको, यानी 6 मीटर लॉन्ग, यानी एल की वैल्यू 6 मीटर, बी इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी ब्रेथ इसकी 5 मीटर है, चौड़ाई कहते हैं इसको, एंड 4.5 मीटर डीप, डीप को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एच इक्वल टू 4.5 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, पुट दी वैल्यू ऑफ एल बी एच। तो एल की वैल्यू हमारे पास है 6, बी की वैल्यू है 5 और एच की वैल्यू है 4.5। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर वन थर्टी फाइव मीटर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है 1 क्यूब मीटर, 1 क्यूब मीटर इक्वल टू 1000 लीटर, 1 क्यूब मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो हमको आंसर जो है लीटर में लाना है, तो 135 में ये आपका क्यूब मीटर निकल के आया है, तो मीटर के स्थान पर हम लिख देंगे 1000। इसमें मल्टीप्लाई करने पर 135,000 लीटर ल
लीटर में ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।